सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो 4K स्टेटस होते हैं उनके लिए थंबनेल बनाना सिखाएंगे। ओके गाइस, तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप अच्छे से थंबनेल बनाना सीख पाओगे। ओके गाइस, और गाइस मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन नहीं करे हो तो ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे पिक्सल एप्स की ज़रूरत होगी थंबनेल एडिटिंग करने के लिए, तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यहाँ पे पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो एक बंदा कुछ इस टाइप के थंबनेल बनाता है। ओके गाइस, और इसके व्यूज़ देख सकते हो गाइस, सभी वीडियो में यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 4 लाख, ऐसे गाइस काफ़ी सारे लाखों में व्यूज़ आ रहे थे। आप भी कुछ इस प्रकार के थंबनेल बना के लाखों में व्यूज़ आ सकते हो। ओके गाइस, तो इस प्रकार के थंबनेल बनाने के लिए अपने को एक ऐप की ज़रूरत होगी, तो पिक्सल ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस जैसे ही मैंने ऐप को ओपन करा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो आपको न्यू टेक्स्ट लिखा है तो इसको डिलीट कर देना। ओके, सो यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है तो 3 डॉट पे क्लिक करना, और यहाँ पे इमेज साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और कस्टम के साइड में एक एरो दिख रहा है तो एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना, तो ओके कर देना, तो ये यूट्यूब साइज हो जाएगा। ओके गाइस, इतना करने के बाद अपने को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद एक बैकग्राउंड सफेद वाला ले लेना है। ओके, वाइट। इतना करने के बाद फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है बीच वाले, देन यहाँ पे एक शेप्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि एक बैकग्राउंड को लेना है, और इस बैकग्राउंड को लेने के बाद अपने को यहाँ पे इसका कलर अपने को कर लेना है। यहाँ पे आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, बट मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इतना करने के बाद अब अपने को यहाँ पे इसको इस तरह से लंबा कर लेना है गाइस, इस तरह से कुछ खींच लेना है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद अपने को इधर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे रोटेशन वाला ऑप्शन में आना है, और इसे कुछ रोटेट कर लेना है इस तरह से। ओके गाइस, यहाँ पे अच्छे से आप कर लेना, और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से रोटेट करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेना, और इसे कुछ इस तरह से कर लेना, अच्छे से एडजस्ट करना गाइस, तो आप अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे इस माइनस प्लस में जाके इसे रोटेशन वाला ऑप्शन में आने के बाद इसे एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। ओके, सो गाइस देख सकते हो इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, देन राइट पे टिक। सॉरी गाइस, यहाँ पे कैंसिल कर दिया हूँ मैंने, तो फिर से इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे राइट पे टिक कर देना है। इतना करने के बाद अब अपने को यहाँ पे इस मतलब बैकग्राउंड को क्लिक करना है, और इधर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे शेडो को इनेबल कर लेना, तो ये शेडो का ऑप्शन है, इसे मैं इनेबल कर लिया हूँ, देन राइट पे टिक कर देना है। सो इतना करने के बाद अब अपने को जो वीडियो होता है वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद अपने को यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस मैंने जो स्टेटस की स्क्रीनशॉट्स पहले से लेकर रखा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, देन राइट पे टिक कर देना है, देन इधर स्क्रॉल करना है, और इसकी साइज़ अपने को रखना है यहाँ पे 15। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 15, सॉरी गाइस 25 करना है इसकी साइज़ अपने को यहाँ पे 25, देन राइट पे टिक कर लेना, और रिलेटिव पोजिशन वाला ऑप्शन में आना ये वाले, देन दोनों को बीचों बीच क्लिक कर देना है इस तरह से, देन फिर से अपने को नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ऐड करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना, देन इसे भी राइट पे टिक करना है, और इधर स्क्रॉल करना है, और रिलेटिव साइज़ वाला ऑप्शन में आने के बाद इसकी साइज़ को अपने को करना है अब यहाँ पे मतलब कि 15 करना है इसकी साइज़। ओके, तो गाइस 20 इसकी साइज़ करने के बाद राइट पे टिक कर देना है, और फिर से इसको यहाँ पे ये देख सकते हो पोजिशन वाला ऑप्शन में आना, और इसे यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है गाइस, कुछ इतना एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से कर लेना। ओके, दो देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया हूँ, फिर से नेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऐड करना, तो फिर से प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी में जाना, और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऐड कर लेना, इसे ऐड कर लिया हूँ मैंने, फिर से इधर स्क्रॉल करना है, रिलेटिव साइज़ वाला ऑप्शन में जाना है, और इसकी साइज़ को कर लेना अपने को यहाँ पे 20। ओके, इतना करने के बाद फिर से यहाँ पे पोजिशन रिलेटिव पोजिशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसको इस साइड एडजस्ट कर लेना। ओके, इतना, देन इस पोजिशन वाले ऑप्शन में आने के बाद अपने को धीरे से इधर स्क्रॉल कर लेना है। ओके, कुछ इस तरह से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके गाइस, देन इधर स्क्रॉल करना, और यहाँ पे स्टॉक को इनेबल कर लेना तीनों स्क्रीनशॉट्स में। ओके, तो मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ, इस तरह से आपको भी इनेबल तीनों स्क्रीनशॉट में इनेबल करना है, और इधर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे तीनों स्क्रीनशॉट्स में शेडो को इनेबल कर देना, ओनली इनेबल करने के बाद जो फर्स्ट वाला होता है उसे यहाँ पे 5 करना है, और तीनों स्क्रीनशॉट में इसे इनेबल कर लेना और 5 कर लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों में कर लिया हूँ, तो आपको भी कर लेना है।
सो गाइस देख सकते हो इसी तरह से आप थंबनेल एडिटिंग बना सकते हो। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है गाइस, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ओके सो गाइस, यहाँ पे अपना थंबनेल बन के रेडी हो चुका है, तो इसे सेव करने के लिए ऊपर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेना। ओके तो ये अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।